पोटली जैसे जैसे चढ़ाते जाओगे ये घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डुकरिया एसी चलेगी। चक्कर है क्या, कमरा भी है शादी आई एक में छे छे भरा, छे इसलिए भरा तुम रात भर सत्संग करो, भजन करो, स्मरण करो, और जितना सत्संग का आनंद हो सकता है अपनों के बीच में तो हमेशा रहते हो, पर दूसरे को एग्जिस्ट करना तो सीखो। जरा विचार करो, तुम अपने कमरे में दूसरे को एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ऊपर जाएगी तो भोलेनाथ कैसे एग्जिस्ट करेगा? सोचो तो सही है, विचार तो करो। भगवान शिव की कथा है, 24,000 श्लोक शिव महापुराण में है, 12 संहिता, और एक एक संहिता भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान शिव 6 सूत्र शिव महापुराण के हैं कि शंकर को पाने के 6 सूत्र बताएं। पहला, मस्तक पर तिलक लगा दो, त्रिपुंड लगा लो, नहीं लगा सकते तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो, इतना भी नहीं कर सकते। तीसरे नंबर का सूत्र है कि भगवान शंकर का मंत्र जाप कर लो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में शंकर जी को एक लोटा पानी चढ़ा दो, चौथा सूत्र। पांचवा सूत्र है, इतना भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के मंदिर के पास में से निकल कर चले जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन हो जाएगा, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशन, बस उतना भी बहुत है। ये पांच, और छठे नंबर का सूत्र है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी में अगर 1-12 ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर शंकर की कथा को सुन लोगे तो फिर दूसरा जन्म नहीं होता सा। ये 6 सूत्र शंकर को पाने के हैं, भगवत भक्ति को पाने के हैं, भगवत रस तत्व को पाने के हैं। 6 सूत्र है, शंकर का अनुमोदन करें। ऐसी कौन सी भूमि है, ऐसी कौन सी जगह है जहां शंकर नहीं है? हर जगह, हर रस तत्व में, कण कण में, हर जगह पर वही तो समाया है, बस हमारे नेत्र परखैया नहीं है इसलिए हम पहचान नहीं पाते। बहुत दुनिया के लोग बहुत कम पहचान कर पाते हैं, बस अंतर तब आता है एक घर के बुजुर्ग माता पिता को और एक परमात्मा को, लोग अंतिम तक नहीं पहचान पाते, अंतिम तक बहुत कठिन। माता पिता सब कुछ दे देते हैं बच्चों को, एक सास अपनी बहू को जब पसंद करके आती है, जो सास कभी अपनी देवरानी जेठानी की एक अंगूठी नहीं दे वो हाफ सेट देखिया जाती है। सोचो, जरा विचार करो, खुद कैसी भी साड़ी पहने पर बहू को एक से बढ़कर एक चढ़ावे में चढ़ा देती है, तैयार होने का डब्बा भी देती है, नंबर की चप्पल भी देती है, सब कुछ देती है। शादी नहीं होती उससे पहले ना जाने कितना सास बहू को दे आती है, कितना विश्वास सास का बहू पर होगा। और बहू जब पहली विदाई में घर से सास के यहाँ से जाती है तो अलमारी में ताला लगा के चाबी घर ले जाती है। सोचो, सास ने कितना विश्वास करा, सब कुछ दे दिया, और बहू ने ऐसा विश्वास करा कि चाबी तक बटोर के पहली विदाई में ले गई, पहली विदाई। क्यों? क्योंकि नंदे आई है डोकरी निकाल के ना दे दे कच्छो, विश्वास कहा, भरोसा कहा, पूर्णता कहां है? भगवान शंकर की कथा कर रही है, 6 सूत्र में से अगर एक सूत्र भी भगवान शंकर का आपकी जिंदगी में आ गया तो जीवन का आनंद देने वाला हो गया। ध्यान देना, कन्या दान जो तुमने करा है उसका पुण्य तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है कि समाप्त हो जाए, अन्न दान जो तुमने करा है उसका पुण्य हो सकता है तुम्हारे मरने से पहले समाप्त हो जाए। क्योंकि कई लोग कहते हैं हमने कन्या दान करा, हमने वस्त्र दान करा, हमने मुद्रा दान करी, हमने स्वर्ण दान करा, हमने अन्न दान करा, हमने भागवत कराई, हमने रामायण करवाई, हमने गीता करवाई, हमने तीर्थ करे, हमने व्रत करे, ये सारे पुण्य तुम्हारे खाते में है, एक पलड़े में तुम्हारे पुण्य रखे हैं, पर एक पलड़े में जो पुण्य इकट्ठे करके रखे हैं तो पाप भी तो देखो कितना करो।
पाप भी तो देखो, मालूम पड़े मुंह से किसी की निंदा कर दी उसी पुण्य में से कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो सरी, अब 200 रुपए लेके आई थी, अब 200 रुपए में से खर्चा करते जा रहे हो तो होगा कि नहीं होगा खर्चा? थोड़ा गलत बोल दिया, पुण्य समाप्त तो हुआ। किसी को अपशब्द बोल दिए, पुण्य समाप्त तो हो गया। किसी के लिए गलत देख लिया, पुण्य समाप्त तो हो गया। किसी के लिए गलत सुन लिया, पुण्य समाप्त तो हो गया। हमने पुण्य तो बहुत कमाया, हमने ढेर पुण्य इकट्ठा करा, कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, भागवत रामायण गीता यज्ञ अनुष्ठान, संत पूजा, गुरु पूजा, सब कुछ करी, पुण्य तो ढेर इकट्ठा करा। पर मरने से पहले ये सारा पुण्य तुम्हारा बोलने से, अपशब्द कहने से, ताना देने से, निंदा सुनने से, गलत देखने से समाप्त तो हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सारे पुण्य तुम्हारे मरने से पहले भले समाप्त तो हो जाएंगे, पर शिव महापुराण की कथा यदि तुमने भूल से भी 5 मिनट की भी सुन ली तो वो जिंदगी भर अटल और अमर हो जाती है, वो कभी समाप्त तो नहीं होती। शिव महापुराण की पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, शंकर का किया हुआ पुण्य कभी समाप्त नहीं। आज वो कोई कह रहा था गुरुजी वो हम पोटलियां बना के लाए हैं तो एक एक मंदिर में पोटली चढ़ाए और कई चढ़ाए। हमने कहा लो आए हो इतनी दूर तीर्थ करने के लिए, 5 रुपया 10 रुपया 2 रुपया करो जो तुम्हारी मर्जी पड़े चढ़ाओ। 84 महादेव का क्या बार बार दर्शन करने जाओगे? ब्रज 84 कोस की परिक्रमा तो तुमने ना जाने कितनी बार लगा ली होगी ब्रजमंडल में पहुंचकर, पर 84 महादेव का दर्शन करने के लिए आए हो। और वो 84 महादेव जिसको स्वयं भगवान शंकर की बहन छिप्रिया ने प्रकट किया था, शंकर के ही रूप तत्व से 84 रूप में उनको प्रकट किया है। पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है, केवल उज्जैन में, केवल उज्जैन। तो भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का चरित्र वर्णन कर रहा है। 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अपनी जिंदगी में उतारा तो जीवन सार्थक हो गया। मात्र भगवान शंकर की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करें। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, शरीर में ताप पड़ गया और शरीर में ताप पड़ने के कारण बहुत ताप पड़ा तो शंकर के मंदिर में पहुंच गया, बैठा। अब वहां तो थोड़ी थोड़ी देर में शंकर के मंदिर में कथा हो रही थी, प्रवचन चल रहे थे, शिव महापुराण का चरित्र चल रहा था और ये थोड़ी थोड़ी देर में पंडित जी चिल्लाए हर हर महादेव। अब जैसे ही पंडित जी चिल्लाए तो इसके शरीर में ताप पड़े, इसको आ रहा बुखार। अब बुखार आए और कहीं का चिल्लाए सिरदर्द हो और कहीं का चिल्लाए तो बड़ा बुरा लगे महाराज। अब इसको तो बड़ा अंदर से खटकाओ कि बताओ मेरे तो शरीर में ताप पड़ रहा है, महाराज हर हर महादेव चिल्ला रहा है पर बोल सकता नहीं। ताप पड़ते 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 थोड़ी देर में ये यहां से चला चला शंकर के मंदिर से कथा श्रवण कर कर थोड़ी देर भले ताप पड़ा, बुखार आया, सिर दर्द हुआ, सब कुछ हुआ, पर शंकर की कथा तो शरीर में पहुंच गई, इस आत्मा तक पहुंच गई। होता है जब घर से चले होगे तो सोचे पांव दुख रहा है, बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, पर शंकर के धाम में पहुंच गए तो अब ये सोच लो कि तुम शंकर के हो गए, तुम शिव के। यहाँ बिठले सेवा समिति के कहने पर नहीं आए, यहाँ पाठक जी के कहने पर नहीं आए, यहाँ हमारे कहने पर नहीं आए, यहाँ तो हम भी बुलाते तो तुम नहीं आते, क्योंकि ये नगरी महाकाल की है। महाकाल का राजा है महाकाल, और महाकाल राजा का एक नियम है, यहाँ कोई राजा, कोई मंत्री, कोई बड़े से बड़ा राजपाट वाला इस नगरी में रात नहीं रुक सकता, यहाँ का नियम है, क्योंकि यहाँ एक ही राजा, कौन सा? महाकाल राजा, बस उसी का राज्य चलता। तो जब उसके घर में आए हो तो हम कौन बुलाने वाले, बोलो तो सरी। उसने बुलाया, उसने ठहराया, उसने खिलाया, उसने घुमाया, 5 दिन घूमो फिरो, उसका दर्शन करो, आनंद करो, घरे जा। घर वाले पूछे कहाँ गई थी, तो कहना महाकाल के घर गई थी, उसने बुलाया था। रामकृष्ण परमहंस जी से एक ने कहा, रामकृष्ण परमहंस जी से बोले, अरे रामकृष्ण परमहंस जी, हमने सुना है कि माता जगजननी जगदम्बा शारदा भवानी माँ देवी
आपसे बात करने के लिए आती हैं, आपसे मिलने के लिए आती हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तो रामकृष्ण परमहंस जी, अगर देवी जी तुमसे मिलने आती हैं, देवी जी तुमसे बात करने आती हैं, जगदम्बा तुमसे मिलने के लिए आती है, तो रामकृष्ण परमहंस जी एक काम करो ना, एक आध बार माता जी को हमारे घर भी भेज दो। हंसी उड़ाने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, एक आध बार माता जी को हमारे घर भेज दो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा ठीक है, एड्रेस बता दो, देवी जी को तुम्हारे घर भेज देंगे। बोलो एड्रेस क्या है? उस व्यक्ति ने कहा फलाना गली में, फलाना मोहल्ले में, ये वाले मकान में, इस नंबर में, इस जगह पर मैं रहता हूं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जो एड्रेस आपने दिया ये तो आपके घर का, ये आपके घर का एड्रेस है, आपका एड्रेस दीजिए, आप कहां रहते हैं। उसको लगा मैं दुकान पर रहता हूं तो हो सकता दुकान का मंगरा, उन्होंने दुकान का एड्रेस दे दिया। रामकृष्ण परमहंस जी बोले ये तो दुकान का एड्रेस है, आप कहां रहते हो, आपका एड्रेस दो। तो रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने तो उस व्यक्ति ने कहा ये हमारा ही तो एड्रेस है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले जिस घर का एड्रेस दिया वो तो घर का, जिस दुकान का एड्रेस दिया वो तो दुकान का, कि दुकान यहां है वो वहां घर है, तू कहां रहता है, तेरा एड्रेस बता, तू रहता कहां है। रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने उसने चरण पकड़ लिया और रामकृष्ण परमहंस से पूछा आप बताओ कि मेरा निवास कहाँ है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं इस शरीर का आखिरी निवास तो शमशान है, मनुष्य वहां निवास करने वाला है। बस ये आत्मा परमात्मा के चरणों में रहे और शरीर आखिरी में वहां पहुंच जाता है, आखिरी में। बड़े आश्चर्य में लोग बताते हैं हम वहां रहते हैं, तुम नहीं रहते, तुम्हारा घर रहता है, तुम चले जाओगे घर में ही रह जाएगा, अभी तुम्हारा एड्रेस है फिर तुम्हारे बेटे का हो जाएगा। अरे बोलो तो, फिर बेटा गया पोते का हो जाएगा, पोता गया पर पोते का हो जाएगा, वो तो घर का पता है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम किस पते पे रहते हो। अताना पता जबरदस्ती के लापता घूम रहा, काय का पता तुम्हारा, जबरदस्ती के छाती ठोक के मेरा घर मेरा घर मेरा घर। एक आध दिन यमराज आई गया उठा के ले गया, सब धड़ धड़ रोएंगे। दो तीन महीने के बाद, चार छह महीने के बाद बेटा नेम प्लेट निकाल के खुद की चिपका देगा, मेरा घर काय का घर तुम्हारा। क्या कहा, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना। हमसे भी लोग कहते हैं गुरुजी तुम कथा वास्तव इतना सारा सोना मोना पहन के बैठते, तो हमने कहा जजमान लोग दे तो क्यों नहीं पहने। अरे बोलो तो दीजिए जी, कई करे कई बाद में जोड़ जोड़ के औलाद के देखे ना, है तो तुम्हारे पास भी, बस तुम भी जोड़ जोड़ के ला कर में अलमारी में ला कर में, और एक आध दिन मर गई और सारा पड़ा की पड़ा रह गया, ऊपर जाके याद करेगी वाला हार तो पी नहीं, फिर कई मतलब का सब पेड़ कई करे वो का। उसका करे क्या, जितनी साड़ी धरी है सब पहन लो जी जियो, बाद में किसी काम की नहीं, सब धरी ले जाए। ऊपर जाती जाती यमराज सेकेगी, नीली वाली तो पहनी नहीं थी, अभी पी को लगवाई थी, एक बार फिर से छोड़ दे वंश मोर, फिर से भगवान भी यमराज भी कहेगा चल ऊपर चल, अब कहीं नहीं पहने ले गया, वही करे खूब जोड़ा आखिरी में यही छोड़ा, और फिर इतना बड़ा फोटो टंगा उसमें प्लास्टिक के फूल की माला, और वो भी पंखा में माला यूं छिले, पंखा में माला हिले और डोकरी फोटो में स्माइल दे, वो डोकरी भी इसलिए स्माइल दे कि बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यही टंग गए, तुझे भी टंगना है, इसलिए डोकरी भी हंसे यही टंगे से जोड़ो, कुछ नहीं खाया खूब जोड़ा, खाना खाने की फुर्सत नहीं थी, साथ सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक दुकान नहीं छूटे, नहीं छूटे।
एक एक ग्राहक के लिए बैठा दिया और आखिरी में सब छोड़ के घर के लोग अर्थी पे भी ले गए तो बांध के ले गए, सबको मालूम है मर गया। उसके बाद भी ना जाने क्यों बांध के ले जाते हैं और खींच खींच के बंद खींच और खींच और खींच। अरे सबको मालूम है मर गया, कोई भगेगा थोड़ी ना, काय को खींच, हल्की फल्की बांध दो, ले जाना तो है नहीं, और खींच 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 के बांधी, क्योंकि इनको डर इस बात का लग रहा, उठ के भग गया, अब उनको तो कुर्सी भरना, उसकी जगह दूसरे को ले गया तो इसी को ले चलो जैसे कहा करो उसका क्या। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे। मेरे को नहीं जानते, मेरे को नहीं पहचानते। अरे भैरू तुझे तो सब जाने, कोई नहीं मेरे को नहीं जानते। मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे, मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना कई करूंगा फिर। गीता वाटी का गीता प्रेस में कथा बाची, क्या 3-4 साल हो गए गीता प्रेस गीता वाटी का। उन्होंने कहा गीता वाटी का वाले, गुरु जी हमारा गीता प्रेस वालों की ओर से कैंसर हॉस्पिटल चलता है गोरखपुर में, आप चलिए देखने गए। बड़े बड़े करोड़पति भी अटैची लेकर पैसे की खड़े थे कि मेरे पिता के कैंसर ठीक कर दीजिए। इनका ये पत्नी का कैंसर, अटैचियों में माल भरा था और कह रहे थे ये ठीक कर दीजिए, अटैचियों में माल भरा, काम आ सकता है, अटैची भर कर रखी हुई है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जहां पर औषधि भी काम नहीं करती वहां पर शिव की करुणा काम कर जाती है और कृपा बरसा देती है, शिव की कृपा, शंकर करुणा करता। तुम एक बार विश्वास रखो उस शिव पर, उस शंकर पर। देवराज ने प्राणों को त्यागा, प्राणों को त्यागा तो भगवान शंकर के धाम में चले गया, क्योंकि भले 5 मिनट की भी कथा सुनी हो, चलते चलते भी अगर शिव महापुराण तुम्हारे कानों में पड़ गई हो, चलते चलते भी अगर तुम्हारे कानों में एक शब्द भी शंकर की कथा का मिल गया हो, तो वो शंकर की कथा कभी छिन्नित नहीं होती, वो शंकर से मिला देती है, शंकर शिव से मिला। देवराज मोक्ष पा गए। फिर अगला चरित्र सुनाया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्मपत्नी का नाम था चंचुला देवी। बिंदुक जो भी लाता वो चंचुला को लाकर देता, क्यों देता, क्योंकि पति का नाम केवल पति है पर पत्नी का नाम धर्मपत्नी है। पति कुछ भी कमाई कर कर लाएगा वो अपनी धर्म पत्नी को देगा, क्योंकि ये धर्म में लगाती रहेगी, अगर ये मेरी कमाई को धर्म में लगाएगी तो मुझे भी बैकुंठ तक तो ले ही जाएगी, ये धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी। एक कथा के मुख्य यजमान गोपाल मंदिर वाले महाराज जी बने हैं, पंडित जी पाठक जी, परंतु इनके मन में कथा का आया ना आया वो बात की बात है, पर धर्म पत्नी हमारी भाभी जी, इनका मन में कथा सुनकर मन में भाव आ गया, गुरु जी एक कथा कराओ बस ये कृपा, जिंदगी में एक बार शिव महापुराण, फिर ठाकुर जी की जो मर्जी, भोलेनाथ की जो, पर शिव पुराण तो करा लो। हजारों हजार भागवत, हजारों हजार राम कथा, हजारों हजार गीता का स्मरण करने पर भी जो पुण्य प्राप्त नहीं होता वो मात्र एक दिन की, मात्र 5 मिनट की शिव महापुराण श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है साहब, शंकर की कथा का रसत्व ग्रहण करने से प्राप्त हो जाता है, मात्र एक क्षण की, एक क्षण।
और बहुत किस्मत वाले हो साहब, आपके बच्चों ने, आपकी बहुओं ने, आपकी बेटियों ने, आपके परिवार वालों ने आपको जमा कर सूट के सटेची जमा कर भेजा है साहब। आपकी बहुओं को, आपके बेटों को, आपकी बेटियों को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा मम्मी जाओ, पापा जाओ, हम बोलते हैं, हम बुक कराते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा पाठक जी आपके भी बहन बेटियों को। उन्होंने कह दिया मम्मी तू कथा करवा, पापा आप लग रहो, अपन करते हैं व्यवस्था, सब आनंद होगा, कथा का अलमस्त साहब, ये जीवन का सुख है साहब। याद रखना, कोई एक बेकार काम करते हैं तो हमारे पितरों को लोग देखने तक नहीं जाते, पर घर का एक व्यक्ति भी अगर पुण्य का कार्य कर लेता है तो उसके पूर्वजों की पीठ स्वयं नारायण जाकर थपथपाते हैं कि तेरे वंश में कोई पैदा हुआ जिसने सत्कर्म करा, सत्कर्म किया। पुण्यता, और ये मुख्य यजमान जो बने ये बहुत करोड़पति नहीं है, मंदिर के पुजारी जी हैं। भोपाल मंदिर में पंडिताई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसमें भी शायद मेरे हिसाब से, मेरी सोच से तो 3-4 हजार रुपए महीना कुछ मिलता होगा, मिलता होगा। उसके बाद भी मन देखिए कि नहीं, कथा रसतत्व हो महाराज, श्रवण कर जीवन का सुख पाए। और ये इनके ऊपर जो कृपा हुई है ये पूर्वजों की हुई है कहीं, और आपके ऊपर जो कृपा है, आप जो यहाँ महाकाल की नगरी में बैठे, तो तुम्हारी, तुम्हारा तो है, पर तुम्हारे भी पितरों की ना जाने कितने पूर्वजों का आशीर्वाद होगा, उन्होंने धक्का मार कर तुम्हें महाकाल की नगरी में भेज दिया। कहीं पूर्वजों की, कहीं पितरों का आशीर्वाद, कहीं आहुत और वासुकों का आशीर्वाद जो हमको परमात्मा की शरणागति तक लेकर जा रहा है, भगवान के चरणारविंद तक लेकर। बिंदु को जो लेकर आता वो चंचुला देवी को देता, चंचुला देवी उसको भोग में लगा लेती है, पर चंचुला कभी धर्म में नहीं लगाती। धर्म पत्नी का लक्षण है कि पति की कमाई का एक अंश निकाले और वो ले जाकर कहीं सत्कर्म में, कहीं धर्म में लगा दे। एक अंश निकाल कर वो धर्म में लगाए तो धर्म पत्नी है। पर आजकल की पत्नियां ऐसी हैं, निकालती तो है पति की कमाई का, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाई जाती, वो धर्म में लगाई नहीं पाती, धर्म में लगे ही नहीं। वो कितना ही प्रयास करें, कई कई माताओं की आदत रहती है, हर बार सोचे सत्यनारायण की कथा करूंगी, सत्यनारायण की कथा कराऊंगी, सत्य